सुख होता है ना। और मन की सबसे बड़ी समस्या है कि सुख हमेशा वो कहाँ ढूंढता है जो गुजर गया या जो है नहीं, तो उसको कभी सुख मिल भी नहीं सकता। मन के थ्रू कभी सुख मिलना असंभव है। तो मन को सुख कैसे मिलेगा? जब आप मन से बाहर निकलेंगे, एक तरफ मन है, एक तरफ आप है, एक तरफ बॉडी है। आप मन नहीं है, ये बात को समझ लेना। आप मन नहीं है, क्योंकि मन में हमेशा बदलाव है। ज्ञान के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, ज्ञान के लिए दो का होना जरूरी है। जैसे ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को मैं जान रहा हूं क्योंकि मैं खुद मोबाइल फोन नहीं हूं। ज्ञान के लिए दो का होना जरूरी है, एक जानने वाला और एक जो ऑब्जेक्ट जो आप जान रहे हैं। तो मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है और मैं मोबाइल को जानने वाला। मोबाइल खुद कैसे जानेगा कि वो मोबाइल है? तो ये जो परिवर्तन की दुनिया है, ये जो चेंज की दुनिया है, जहां हर क्षण विचार बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, इसको जानने वाला खुद परिवर्तित नहीं हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे विचार जहां है वहां परिवर्तन है। तो आप विचार को देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप विचार नहीं हो सकते। आप विचार को देखने वाले हैं, तो आप शरीर नहीं है, आप विचार नहीं। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो स्थिर है, जहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वहीं तक हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? विचार के बियॉन्ड जाना है, थॉटलेसनेस में जाना है, विचार शून्यता में जाना है। तो प्रेजेंट में कैसे रहेंगे? फिर हम कहते हैं, क्या कोई ऐसा कार्य हम ढूंढ सकते हैं जिससे प्रेजेंट में हमको सुख मिले? जैसे चित्रकार होते हैं, गीतकार होते हैं, पेंटर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग प्रेजेंट में रहते हैं। जैसे कोई गीत बना रहा है तो प्रेजेंट में गीत बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है प्रेजेंट में वो पेंटिंग कर रहा है, या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ। तो बर्टन रसेल एक बहुत बड़ा थिंकर हुआ है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, जिसने कहा है हैप्पीनेस के लिए हमेशा हमको एक्टिविटी चाहिए। बात को समझना, सुख हमको तभी मिलता है जब हम कुछ करें और उसको करने से हमको सुख मिले। समझिए, जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करना एक एक्टिविटी है। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलना क्या है? एक्टिविटी है। या आप गीत सुनते हैं, गीत सुनना क्या है? एक्टिविटी है। या सुबह सूरज को उगते आप देखते हैं, क्या एक्टिविटी है? मतलब क्या आपके पास कुछ ऐसा करने के लिए है जिसको करने में आपको सुख मिले? कभी सोचिए, विचार करिए कि क्या करने से आपको खुशी मिलती है। ईमानदारी से इसका निरीक्षण करिएगा, आपको क्या करने से खुशी मिलती है? क्या कोई ऐसा कृत्य है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है? तो कृत्य जो है, हमेशा समझिएगा, हमेशा बाहर का होता है। एक तो बाहर का होता है जो किसी दूसरे से संबंधित होता है। जैसे आपको क्रिकेट खेलना है तो अकेले तो क्रिकेट खेल नहीं पाओगे, हाँ? या किसी से आपको प्रेम है तो उसकी उपस्थिति तुमको जरूरी है। मतलब तुम निर्भर हो, लेकिन क्या कोई ऐसी क्रिया हो सकती है जिस पे तुम दूसरे पे निर्भर ना हो? क्या ऐसी कोई क्रिया तुम्हारे पास है जहां दूसरे की जरूरत ना हो? जैसे तुम चांद तारों को निहार रहे हो, तारे तो दूसरे हुए लेकिन तारे तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कभी बादल आ जाए तो उपलब्ध नहीं रहेंगे, सूरज कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, है ना? कि रोज निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जहां दूसरे का संबंध है वो हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। बात को समझना, जहां दूसरे का संबंध है वहां वो तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या? हमारी शरीर हमेशा उपलब्ध रहेगी, हमारी श्वास हमेशा उपलब्ध रहेगी, हमारी धड़कन हमेशा उपलब्ध रहेगी। जब तक जीवन है तब तक श्वास है, तब तक धड़कन है, आखिरी सांस तक सांस तुम्हारे साथ है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्यों ना हम श्वास पे ध्यान करें। तुमने देखा होगा, जब तुम क्रोध में होते हो तो श्वास और ढंग से चलती है, तुम दौड़ते हो तो श्वास और ढंग से चलती है, तुम शांत होते हो तो श्वास और ढंग से चलती है। तुमने कभी देखा है, जब तुम हैप्पी
होते हो